सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी समोर येते. महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी मागणी आता भाजपकडून केली जाते. भाजपच्या खासदारांनी लोकसभेत ही मागणी केली आहे. परमवीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बवरून लोकसभेमध्ये रणकंदन सुरू आहे. गिरीश बापट, नवनीत राणा, पूनम महाजन हे आक्रमक झालेले आहेत. राज्यातील परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा करण्यात येतोय. पोलिसांना खंडणी वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात पोलीस खंडणी मागतायत. गिरीश बापट यांनी हे वक्तव्य केलंय. प्रकरणाच्या मागे फक्त मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्याचं नवनीत राणा यांनी म्हटलंय. सचिन वाझेमुळे परमवीर यांची बदली झाल्याचा देखील दावा नवनीत राणा यांनी केलाय. सुव्यवस्था राहिलेली नाही. कायदा सुव्यवस्थेचे दिंडोरे उडाले. महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे. पोलीस खंडणी मागायला लागलेले. त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे. श्री रमणेश सिंह जी बोलिए प्लीज. चेयरमैन साहब, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है. इस पे अकेली महाराष्ट्र की बात नहीं है, सारे देश की बात है और बहुत ही ये चिंता की बात है. लेकिन ये होता कहां है? क्यों जहां पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वहां पे ये फेडरलिज्म क्यों तोड़ा जाता है? वहां पे क्यों देश में की एजेंसियां आके दखल देती हैं? और उसके बाद सर पॉलिटिकल लोग हम एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी करके जो ऑफिसर रहते हैं वो बच जाते हैं. मेन कल्प्रेट सर इसमें ऑफिसर हमेशा होते हैं. लेकिन हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे अलोक पार्टियों पे लगा के वो ऑफिसर जो होते हैं वो निकल जाते हैं. हम अपने आप को जरूर बुरा भला यहां कह के, चाहे असेंबली हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन सर अफसर नहीं निकलने चाहिए. यही ऑफिसर था जो उनको बहुत अच्छा लगता था, यही ऑफिसर है जो आज जिन्होंने ये काम किया. ये दोनों तरफ ऑफिसर रहते हैं लेकिन वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. महाराष्ट्र में ऐसा एक स्टेट है, ऐसी शानदार स्टेट है जो आप वो भी मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं, वहां पे सरकार आप, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बाहर की एजेंसियां बिल्कुल वहां पे इंटरफियर करेंगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जिस हिसाब से मेरे कोलीग ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन बाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी. उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई. जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन बाजे को ज्वाइन करवाइए. मुझे बताइए आप सचिन बाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं. मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा. मैं आपसे विनंती करती हूँ, दो मिनट सर. जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है. बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है. किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है. और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से. प्रारंभ कीजिए आप, बोलिए चौधरी साहब, आप प्रारंभ कीजिए. बोलो बोलो. सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया. मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया
और उसके बाद में और जो कि नहीं करना चाहिए था वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी, और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप और ऐसे आरोप के पूरा जो उससे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपया एक महीने के लिए उगाही करने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे मामले में महाजन पूरम जी सर, सर ये तीन पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक बीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहां जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़, और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है।